मेंबर विधान परिषद बिहार विधान परिषद के सदस्य के नाते मैंने पिछले साल सत्र के 191 जो सत्र था विधान परिषद का, उसमें मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया था महात्मा गांधी सेतु के निर्माण में हो रहे गड़बड़ियों को लेकर। उसके बाद पुनः मैंने इस सत्र में जो भी समाप्त हुआ है उसमें भी मेरा एक कार्य स्थगन प्रस्ताव था इसी मुद्दे पर कि महात्मा गांधी सेतु जिस पर लाखों लोग रोज ट्रेवल करते हैं उसकी जो मरम्मत के काम हो रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं, गलत और घटिया स्तर का स्टील का इस्तेमाल हो रहा है। इससे पहले 18 दिसंबर को पटना में नितिन गडकरी जी आने वाले थे, रोड कॉन्फ्रेंस था, रोड कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस नेशनल लेवल पर, वो नहीं आए। मैंने उनके लिए भी एक ज्ञापन बनाया था, मुझे उम्मीद थी कि हो सकता है वो इस बारे में कुछ करें और हो रहे भ्रष्टाचार को रोकेंगे। वो नहीं आए तो मैंने उन्हें पत्र मेल कर दिया था। मैं इन तमाम जो चीजों का मैंने उल्लेख किया है वो सब की एक कॉपी आपको मैं दे रहा हूं। आज मुझे उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई, कई समाचार पत्रों ने भारत के महालेखाकार के द्वारा दिए गए रिपोर्ट पर आधारित खबरें छापी हैं, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि महात्मा गांधी सेतु के निर्माण में घटिया स्टील का इस्तेमाल हो रहा है। यह एजी ने माना है अपने ऑडिट रिपोर्ट में। जो बातें मैं लगातार पिछले एक साल से कहता रहा हूं विधान परिषद के अंदर द्वारा और सरकार के मंत्री नंद किशोर यादव इसे झूठा ठहराते रहे हैं, आज उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जो एग्रीमेंट हुआ था निर्माण कंपनी से महात्मा गांधी सेतु के मरम्मत को लेकर, उसके सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर, उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन वो लोग कर रहे हैं जो निर्माण कार्य में लगे। लगभग 1,000 करोड़ मूल्य का एक घपला है और खुलेआम घटिया स्टील का इस्तेमाल हो रहा है और एक कमजोर स्ट्रक्चर जानबूझकर तैयार कराया जा रहा है। एजी ने अपने रिपोर्ट में मेरे उन सवालों को भी एक तरह से पुष्टि कर दी जो मैंने उठाया था